बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। विधानसभा क्षेत्र शाहपुर की मुंदला पंचायत में रविवार को ओबीसी वर्ग द्वारा आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पठानिया के सम्मेलन में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने बढ़ती महंगाई पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। बढ़ते गैस के दामों को लेकर खाली सिलेंडर सर पर उठाकर रैली भी निकाली। ओबीसी सम्मेलन में प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सरिता सैनी ने शाहपुर की विधायिका और भाजपा सरकार की मंत्री पर शाहपुर के ओबीसी वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं केवल सिंह पठानिया ने कहा कि ओबीसी वर्ग के हितों की कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रक्षा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रकोष्ठ है ये लंबे समय से मैं सुरेश पटाकू जी और इनकी सारी टीम को कैप्टन अमरीश सिंह जी और हमारी ओबीसी जो कि हमारी कार्यकारिणी है वो इस वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकोष्ठ बना के रखा है। उन्होंने आज सम्मेलन रखा है। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिटी है कहीं ना कहीं आज संगठित हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ की विधायिका मंत्री भी इस कम्युनिटी से है, वेलफेयर डिपार्टमेंट की वो मिनिस्टर है। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक गुस्सा है कि जो पिछले लगभग 15-20 सालों से वो नेतृत्व कर रही है और खासकर ये 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर है। आपने देखा वक्ताओं ने व्हाइट पेपर मांगा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो वो 1 साल के लिए बनता है। इनका इशू है कि मंत्री यहाँ से है, वो चाहती तो वो मतलब लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि जो ओबीसी है वो तो ओबीसी रहेगा, तो जो जो जिस कैटेगरी में फाल करता है वो मुद्दा है। रिजर्वेशन को लेकर जो मैं कहता हूँ, सबसे पहले ये जो गिरतपाती चांग सभा होती थी 5% रिजर्वेशन थी, उसके बाद 12% रिजर्वेशन आई। कांग्रेस पार्टी ने ये कमेटी बनाई और कमीशन बनाया, फिर ये 17% हुई। फिर चौधरी चंद्र कुमार जी यहाँ से जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी वो नेतृत्व करते थे। आज अगर ओबीसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का जो दफ्तर आया प्रोफेसर चंद्र कुमार राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। उसके बाद केंद्र के अंदर जब वो एमपी थे तब 27% जो है रिजर्वेशन की गई। आज मेडिकल के अंदर हो, दूसरे हायर इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, चाहे प्रमोशंस के लिए, जो भी मैं कहता हूँ कुल मिलाकर इस वर्ग के लिए किया गया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हम पूछना चाहते हैं, ये वर्ग पूछ रहा, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये वर्ग अलग अलग वक्ता बोल रहे हैं, पूछने की आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपने इस वर्ग के लिए क्या कहीं ना कहीं ये ठगा महसूस कर रहे हैं, आपने इस वर्ग के लिए क्या किया। बाकी इनकी जो जो मेरा तो फर्ज ये रहेगा, आज मैं सम्मेलन में आया हूँ, इनकी मांगों को मैं पहले भी रखता रहा हूँ, आने वाले समय में भी रखेंगे। कृषि बहुल हमारा ये प्रदेश ये जगह है, पलम में मैं बैठा हूँ, एग्रीकल्चर कलेक्शन सेंटर था। वक्ताओं ने कहा सबसे ज़्यादा जिला कांगड़ा में एग्रीकल्चर कोई करता है वो ओबीसी वर्ग करता है। एक कलेक्शन सेंटर खोला था वर्तमान मंत्री, क्योंकि वो किसानों के बारे में नहीं जानती, वो उस पर मार्केटिंग ऑफिस और मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर। आज मेरे घर का बयान पड़ा, आदरणीय गर्ग जी मिनिस्टर ने भी अलग अलग कलेक्शन सेंटर खोल रहे। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा जो गेहूँ धान यहाँ होता है उसका कलेक्शन सेंटर वो यहाँ चले और इनके वर्ग को जो भी कठिनाई है उसके साथ में कंधे के कंधे के कंधे से कंधा खिला के बढ़ाऊँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, छोटे परिवार से हूँ। इन जहाँ मैं बैठा हूँ इसी पंचायत के साथ लगती मेरी 15-20 कमा जमीन है। जब मैं स्कूल में था तो यहीं मैं वो हाल भी मैं यहीं जोतता था, काम भी मैं यहीं करता, तो इस वर्ग की कहीं ना कहीं कठिनाई को मैं खुद समझता हूँ, मैं खुद हल चलाया। तो उस सुनवाई को सुनने आए हैं, जब इन लोगों का प्यार जिस तरीके से आपने देखा भीड़ उमड़ी है, उस पलम में बैठा हूँ, मुझे पूर्ण भरोसा है इनका समर्थन मिलेगा। और मैं ओबीसी का बच्चा हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है मैं हल चलाता हूँ। ओबीसी कोई कास्ट नहीं है, ओबीसी काम करने का तरीका, मेरे माता पिता भी यहाँ साथ। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शाहपुर। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।